नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर बदमाशों ने पूर्व मुखिया के पुत्र को मारी गोली, जिससे पूर्व मुखिया रामेश्वर यादव के पुत्र रामलखन आजाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के परिजनों के द्वारा इलाज के लिए PHC मानसी में भर्ती कराया गया। घायल को परिजन के द्वारा इलाज के लिए PHC मानसी में भर्ती कराया गया, जहां उपचार कर सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया गया। सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। वहीं SP मीनू कुमारी ने बताया कि दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर इस तरह का आए दिन घटना घटित होते रहता है, जो कि बेहद गंभीर है। वहीं खगड़िया SP मीनू कुमारी ने यह भी बताया कि खगड़िया सदर DSP आलोक रंजन व मानसी थाना के द्वारा एक टीम गठित कर घटना का पता लगाया जा रहा है। जो भी घटना में दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए खगड़िया से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जब भी कोई सूचना मिलती है इस तरह की, पुलिस जाती है, पुलिस वहाँ कैंप भी करती है, लगातार वहाँ पेट्रोलिंग भी होती है। आज भी सुबह घटना मिली थी गोली चलने की, तो SDPO सदर को भी मैंने भेजा था और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जाकर दोनों ही पक्ष के लोगों से बातचीत की है। तो क्रिमिनल मैटर बिल्कुल है, उसके विरुद्ध हम लोग एकदम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अंदरूनी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं गाँव में दो ग्रुप के रूप में उभर के सामने आया था। तो आज हम लोगों का प्रयास होगा कि SDO साहब जो है हमारे सदर के और SDPO है, CI है, जाके गांव में एक हम लोग शांति समिति की बैठक करें, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग शामिल हों। और जो आज गोली चलने की बात है, उसका दो पक्ष सामने आया है और दोनों पक्षों में इतनी सत्यता है, ऐसा ना हो कि पब्लिक को गुमराह करके उनसे कोई अपराध करवा लिया जाए। तो इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। आज एक इस कमेटी की बैठक आज या कल सुबह जिस तरह से उपलब्धता हो पाएगी की जाएगी, और फिर इस पर हम लोग आगे व्यापक चिंता तैयार करेंगे।